कहाँ जाएगा? अमेरिका। अरे किस दुकान में? अमेरिका के द फेमस मॉल। हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई और फ्रेश वीडियो में। आज हम चल रहे हैं सिटी ऑफ बालूशाही यानी कि रूनी सैदपुर, जो कि मेरे घर से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है। और इतनी ठंड, इतनी सुबह हम पहुंच चुके हैं, आधे रास्ते पे तो आ चुके हैं, यहाँ से अभी आधे रास्ते का सफ़र करना है। तो हम सोचे कि यहाँ से क्यों ना ब्लॉग को स्टार्ट कर दें। और आज जो है हम आप सबको दिखाने वाले कि क्यों ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ का बालूशाही है। चलो अपना मोबाइल में मिलेंगे। तो ठंडा बहुत लग रहा था सत्यम को, ड्राइविंग सीट पे यही है इसलिए। और तीन लोग हैं साथ में, सत्यम का चैनल में बताया था आप लोगों के आने वाला है, और चैनल का नाम है सत्यम ऑन द वे, जो कि 2-3 मंथ भी हो गया इस चैनल का, मिले नहीं थे हम लोग कभी साथ में, इसलिए नहीं बना था ब्लॉग। और पीछे सूरज है, बेटा है हमर। चलते हैं। ये जो हाईवे आपको दिख रहा है, ये सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, NH 77 है शायद। तो अभी चलते हैं, यहाँ से लगभग और 5-10 किलोमीटर और हम लोग को जाना है। हम तो उड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए जमा गिरे, आलम आप तो होना है रही जो बनाए जाना। हम तो हो गए जमा गिरे, आलम आप तो होना है रही जो बनाए जाना। हम तो गाइस, अब हम पहुंच चुके फाइनली रूनी सैदपुर का ये जो छोटा सा मार्केट है यहाँ। और यहाँ आते ही आपको बालूशाही की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाती है, लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही। तो पीछे आप पूरा देख सकते हैं बालूशाही का कितना ज़्यादा जो है दुकान है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि किस दुकान में जाया जाए, तो चलिए देखते किस दुकान में जाते हैं। कहाँ जाएगा? अमेरिका। अरे किस दुकान में? कौन दुकान में जाएगा बता बता। हेलो हेलो। ये जो आदमी है ये तीसरा बार अपना टेक ले रहा है और अब तक इसका ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। कौन सा जगह? सिटी ऑफ बालूशाही, रूनीसैदपुर। रूनीसैदपुर हाय हाय, नमकीन भी आ गया इसके साथ साथ, मज़ा आने वाला है। देखो इसके साथ साथ थैंक यू। क्या है? सूरज छोला चूड़ा कहाँ बैठ जाएगा? वो स्टूल ले लो वहाँ। छोला चूड़ा बचका और ये मिठाई। ये जो आदमी है सबसे पहले सारा पूरा मिठाई खा गया हुआ है। मेरे में से मांग रहा है, चलो एक दे देते गरीब आदमी को। मजा आ गया एकदम से बालूशाही खा के पूरा। इन लोग से भी पूछ लेना चाहिए है ना। हाँ बता था कैसा लगा? कैसा लगा? 25-30 गोला खाए भाई, तो बता कैसा लगा। इतना झूठ बोलते हैं, ठीक लगा है, मतलब कम दाम में अच्छा चीज। सबसे ज्यादा ये आदमी खाया है, तू खाया, चार को भी खाया, चार को हम भी खाया है, एक साथ खाया चार को बिना कुछ नमकीन खाए हुए। तो क्या मीठा पसंद है तो मीठा खाएंगे है ना। सूरज कैसा लगा? झकास। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उस पर जो कमेंट सबसे अच्छा था वो पटना 99 करके चैनल ही है, उनका कमेंट था कि इन केस यू डिडंट नो आई लाइक दिस कंटेंट। तो थैंक यू सो मच पटना 99। और ये जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा मेरे हर वीडियो पे, कि जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा आज वाली वीडियो में उसका मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो है उसका नाम सबसे पहले लूँगा वीडियो में। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आज इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू।